जैसे ही होटल से निकला कोई एक बंदा आया और मेरे पास की भाई ये बाइक बंद का ही हो गई ब्रो। ओके हमारे UK07 राइडर भाई साहब भी जयपुर में है बट जा रहा है, किसी को लिफ्ट चाहिए। हमसे कोई क्यों नहीं लिफ्ट मांगता ब्रो, हमसे कोई क्यों नहीं लिफ्ट मांगता हनीश। और तो हो जाए फुल चैनल BBR ब्लॉग्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं बोलता हूँ। आज हमारे जयपुर राइड का सेकंड डे, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि भाई हमने XBHP मीटअप ज्वाइन करा एंड आई थिंक सो जिसने ये व्लॉग देखा होगा उसको राइडिंग के मामले में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होगी, बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अगर नॉलेज मिली तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो अभी प्लान ऐसा है कि भाई हम निकल रहे हैं जयपुर सिटी राइड के लिए। अभी ऑलमोस्ट 1:45 हो रहे हैं, 1:45। तो यार मैं अभी जस्ट यहाँ से बाइक वाइक पर बैठने ही वाला था, मैं निकलने ही वाला था मेरे होटल से। तो मैं जैसे ही होटल से निकला कोई एक बंदा आया और मेरे पास की भाई, मैंने बोला शिट मैन, कोइंसिडेंस पे कोइंसिडेंस हो रहे। तो भाई ये हमारे हैं राकेश जी। हाय राकेश जी। आई एम गुड सर। कैसे हो? बस बढ़िया। तो यार ये भी हमारे ब्यावर साइड से, और ये भी राइडिंग करते। तो इनका पहले भी कई बार मेरे पास टैक्स आया था, बट वो होता है ना, किस्मत नहीं होती, किस्मत नहीं होती और तो मिला भी नहीं होता। हाँ मिला भी नहीं होता। इवन मैं इस हॉस्टल में, आप जानते हो, मैं जब भी मतलब अगर जयपुर दिल्ली साइड से आ रहा हूँ तो मैं इधर ही रुकता हूँ, बट कभी भी मेरा मिलना नहीं हुआ। बट आज किस्मत थी, और आई थिंक सो ये दो दिन मैंने किस्मत लिखा के आया हूँ कि मेरी इतनी अच्छी किस्मत चल रही है, मैं सभी से मिल रहा हूँ। ये भी बहुत अच्छे राइडर है, मैंने इनकी वीडियोज देखी है, इवन कल ही चेक करी है। एक्सपल्स राइड करते हैं, हेलमेट पहनते हैं, जितने भी राइडर है सबको हेलमेट पहनने का है। बिल्कुल सबको हेलमेट साथ में रखता हूँ, दो कदम भी जाता हूँ बाहर तो हेलमेट रखता हूँ और मेरा कैरी बैग साथ में रखता हूँ। तो भाई आज मैं चला रहा हूँ थोड़ी देर के लिए एक्सपल्स। राकेश भाई मुझे ये मौका दे रहे, सबसे पहले तो थैंक यू। बट एक बार पहले बैठ के देखो मेरी हाइट पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। ओ भाई ओहो, अरे नहीं नहीं, इजी है, पहुंच गई भाई। मुझे डर था कि ये बाइक चल रही है कि मतलब मेरी हाइट पहुंच जाएगी नहीं पहुंच जाएगी, बट बहुत कंफर्टेबल बाइक है यार, मेरे पैर इजीली नीचे पहुंच रहे। ये राकेश भाई वीडियो शूट कर रहे हैं, तो अब यहाँ से इसकी एक राइड लेकर आता हूँ। ओ भाई यार बहुत कम्फर्टेबल है। ये क्या हो गया? ये बाइक बंद का ही हो गई ब्रो। ओके। तो भाई मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है यार ये एक्सपल्स। सबसे मेन डर था मुझे इस बाइक का कि हाइट का, कि मेरी हाइट पैर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, बट बहुत कंफर्टेबल ही पहुंच रहे। तो भाई यहाँ पे राकेश भाई से मिलके बहुत मज़ा आया, और भाई इतना प्यार दिया ना उन्होंने, सच्ची में मुझे इसी प्यार की नीड है ब्रो। तो आप लोग भी जब भी मुझसे मिलो इतना प्यार बरसाना, मैं भी आपको सेम उतना ही प्यार करूँगा। तो थैंक यू सो मच राकेश भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। एंड अब चलते हैं हमारी राइड स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं। सारे जो एक दो राइडर्स आ रहे हैं उनको मैंने इन्फॉर्म करा था कि भाई 3 बजे तक हम आ जाएंगे लोकेशन पे, तो मिल जाना एक बार को। आज का प्लान ये है कि थोड़ा नाहरगढ़ फोर्ट साइड थोड़ा एक्सप्लोर करके आएंगे। हमारे UK07 राइडर भाई साहब भी जयपुर में है, बट उनका कोई अपडेट नहीं आ रहा कि वो एग्जैक्ट किधर है, तो क्या पता मिल पाए कि नहीं मिल पाए। बट हाँ ट्राई ज़रूर करेंगे कि उनसे भी मिलने का मौका मिले, क्योंकि भाई बहुत अच्छे लेवल पे है और भाई साहब हमें नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और नॉलेज के साथ में सच बताऊँ तो थोड़े बहुत व्यूज़ की भी ज़रूरत है ना। मैं देखो झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, अगर मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई थोड़ा बहुत प्यार मुझे भी मिले। तो दोनों चीज़ों के लिए हम जाएंगे, अगर मिल सका तो उनसे चलते रहते। देखा तो यार फाइनली भाई गौरव सिंह भाई आ गए हैं फ्रॉम रोड वॉरियर्स एंड हमारे राइडर शौरन। ये दोनों हमें कल मिले थे XBHP मीटअप पे, तो रात को हमारी भी अच्छी खासी बातचीत हो गई थी एंड प्लान हो गया था कि एक छोटी मोटी राइड गेड़ी वेड़ी मार के आते। एंड भाई साहब तो एकदम फुल ऑन तशड़ में आए, मतलब लंबा वंबा जैकेट पहन के। जब बाइक चलाएंगे तो लगता है इनकी बाइक एकदम जो जैकेट है वो पीछे उड़ने वाली है धूम के तरह। यह एक से भले दो से भले चार, अब इकट्ठे राइड करेंगे भाई। पल्सर भी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत चमक रही है, एकदम ग्लॉसी सा लुक आ रहा है बहुत। बस एक इन बाइकों में बस एक ही चीज़ बुरी लगती है, वो थोड़े पतले टायर, अगर ये थोड़े मोटे हो जाते ना तो बहुत मस्त लगता है। बट आपको ना इतने में इतना ही मिलेगा ब्रो, मैंने बोला था ना इनका जैकेट उड़ेगा हवा में जब चलाएंगे।
यार मुझे समझ में नहीं आता लोगों के व्लॉग्स में, ना सच बता रहा हूँ, चीज़ें होती है कि किसी के व्लॉग में लड़की आके फ़ोन घूम जा रहा है, किसी को लिफ्ट चाहिए। हमसे कोई क्यों नहीं लिफ्ट मांगता ब्रो, हमसे कोई क्यों नहीं लिफ्ट मांगता हनीश, क्या हम ख़राब दिखते हैं? मेरे से किसी ने नहीं मांगा भाई, मेरे से एक बार ऋषिकेश में किसी ने लिफ्ट मांगा था, बट किस्मत बुरी कि हम उस टाइम बिना कैमरे के घूम रहे थे, नहीं तो आज हम भी फेमस होते। भाई समझने वाले सारी चीज़ें समझ रहे हैं। यार देखो मेरे हिसाब से ये चीज़ें बुरी नहीं है, ठीक है, आप एंटरटेन कर रहे हो लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई थिंक सो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में नहीं चलती, क्योंकि ये वीडियोज लाइक मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई ये वीडियोज़ है ना हर कोई हमेशा नहीं देखता। आप कितने बार लिफ्ट बता दोगे बताओ? जब फ्रेम में इतने सारे राइडर्स हो ना भाई, देख के बहुत मज़ा आता है। और काश ये रोड खाली होती तो हम इस पर दौड़ाते भगाते चलाते, एक बार तो हो जाए फुल। ओ भाई यही तो मज़ा है ब्रो, यही तो मज़ा है, यही तो मज़ा है। जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? मुझे प्लास्टिक से तो नहीं आ रही है भाई। तुम्हें बीच में प्लास्टिक जलने की बदबू आ रही थी क्या? हाँ भाई, बाइक से तो नहीं आ रही जी। ये है, सारे टूरिस्ट लोग आ रखे। हमारे दो नए राइडर्स को मिलाने के लिए रुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे बस चाय खत्म करिए भाई। ये है हमारे गौरव भाई एंड ये है हमारे राइडर शौरन भाई। कल दोनों से मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी, और कल शाम को प्लान कर लिया था कि एक राइड तो इकट्ठे करनी है, चाहे छोटी करे चाहे बड़ी करे। तो भाई अब निकल चुके हैं हम नाहरगढ़ की तरफ उनके पहाड़ियों पे थोड़ा लीन करने के लिए, हो सके तो थोड़े से वीडियोस कैप्चर करेंगे ब्रो। हमारे गौरव भाई आर एस चला रहे हैं, हानिश भाई पल्सर चला रहे हैं, और उसके आगे टीवीएस अपाची। भैया जी रुक जाओ थोड़ा, हम बाइकर्स को जाने दो। बहुत अच्छी दिन हुआ, बहुत अच्छी, मजा आया। ओहे ये ब्रो, ये रहे हमारे गौरव भाई जो चला रहे, बहुत मजा आ रहा है। और यहाँ से सारी पहाड़ियाँ दिख रही है, इजी ब्रो, ये लीन करते हुए। ओहो सारे सुपर चार्ज हो गए भाई, सारे सुपर चार्ज हो गए। अभी बिना माइक के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऑडियो अगर थोड़ी डिस्टेंस आए तो चला लेना, ठीक है। अभी इतना मेहनत नहीं कर सकते क्योंकि हमें और एक लोकेशन पे जाना है, बट यहाँ पे अभी हमने कुछ सेटअप करके पिक्चर क्लिक करी है, वो आपको देखने को मिल जाएगी स्क्रीन पे। तो अगर पिक्चर्स अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा हो तो फटाफट से जाके फॉलो कर देना। मेरी आईडी अभी स्क्रीन पे आ रही है @IamKunalRoy। ये भाई कसम से तुम रैपर लग रहे हो दूसरे साइड पे, बाइक से उतरते रैपर वाली फील आ रही है। डेस्टिनेशन का एक लास्ट स्पॉट था और यहीं पे पिक्चर्स क्लिक करने आए थे हम, एंड अच्छी खासी पिक्चर्स आई है ब्रो। भाई थैंक यू सो मच भाई, आज की शाम बहुत अच्छे से गुजरी है आप दोनों की वजह से। हाँ थैंक यू आपको भी थैंक यू। और इसी नोट पे यार आज के इस ब्लॉग को ख़त्म करते, क्योंकि ये बहुत सारा कंटेंट बन चुका है आज, आई नो दैट। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। साइनिंग आउट कुणाल रॉय विथ बाइकिंग ब्रदरहुड, बाय बाय। बट अभी साथ में चलेंगे अपन, मुझे रास्ता नहीं पता।